अकोला सहित राज्य के कई जिलों के अलावा बड़े शहरों में जालसाजी करते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने के आरोपी नांदेड़ जिले के निवासी 40 वर्षीय शेख बाबू शेख छोटू मियां को अकोला की सिविल लाइन पुलिस ने शहर के नए बस स्टैंड परिसर से हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अकोला की सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के नए बस स्टैंड परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। इसी जानकारी के आधार पर सिविल लाइन थाना के डीबी स्क्वाड ने नया बस स्टैंड पहुंचकर नांदेड़ जिले की भोकर तहसील की रशीद टेकड़ी नई आबादी में रहने वाले शेख बाबू शेख छोटू मियां को हिरासत में लिया। उससे हुई गहन पूछताछ में उसने कबूल किया कि बुलढाणा के चीखली सहित अकोला के सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाले इलाकों में जालसाजी करते हुए चोरी की घटनाओं को उसी ने अंजाम दिया था। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक संदीप गुघे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, शहर पुलिस उप अधीक्षक सुभाष दूधगांवकर, सिविल लाइन थाना के पुलिस निरीक्षक प्रदीप शिरस्कर के मार्गदर्शन में डीबी स्क्वाड के ASI दिनेश पवार, हेड कांस्टेबल सुरेश लांडे, नायक पुलिस कर्मचारी किशोर सोना ने, सिपाही संतोष गावंडे, रवि काटकर, भूषण मोरे, शेख वसीम ने अंजाम दिया। अकोला से BCN न्यूज के लिए असागर खान की रिपोर्ट।